नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम अमन चुग है एंड आप मेरा डिटेल प्रोफाइल विजिट करने के लिए www.amanchughca.com पे विजिट कर सकते हैं। आइडली आप में से कईयों के सवाल आए कि हम ये जो MBA या BBA MBA जो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग की है, जो कि UGC रिकॉग्नाइज रेगुलर डिग्री है और जो IRDAI ने इनॉग्रेट करी है, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे और हमारे लिए रेलिवेंट क्यों होगा, कैसे होगा। तो मैं सोचा क्यों ना पहले मैं इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। मगर ये एक्सप्लेन करने से पहले, यानी कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसमें, इस MBA में क्या क्या पढ़ाया जाता है, वो मैं डेफिनेटली इस वीडियो में कवर करने लगा हूं। मगर उससे पहले मैं दोबारा एक विजन आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। अभी आज के डेट में हमारी जिंदगी में दो तरह के चेंजेस हो रहे हैं। पहला, हमारा जो क्लाइंट है वो चेंज हो रहा है। दूसरा, हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें काफी चेंजेस आ रहे हैं। समझते हैं पहले कि हमारा क्लाइंट कैसे चेंज हो रहा है। हमारा जो क्लाइंट पहले होता था, उसके साथ हमने कई सालों से रिलेशनशिप निभाई और रिलेशनशिप के कारण हमसे प्रोडक्ट लेता आया, यानी कि हमने कई सालों से जो 20-30 साल पहले जो हम प्रोडक्ट बेचते थे वो हम बेचते रहे और तब जमाने में मार्केट्स में ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती थी, यानी हमारा क्लाइंट ज्यादा अवेयर नहीं होता था, हमारा क्लाइंट ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होता था, हमारा क्लाइंट भी नॉर्मली ज्यादा एजुकेटेड नहीं होता था। एंड वो क्लाइंट से हमने कई सालों से रिलेशनशिप निभाते अपना प्रोडक्ट आराम से बेचा। मगर आज की डेट में वही जनरेशन जिसको हम प्रोडक्ट बेच रहे थे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन टेकअप कर रही है। एंड मेजॉरिटी जो हमारा क्लाइंटेल है वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की 70% से ज्यादा जो पॉपुलेशन आज की डेट में है वो 18 से 35 साल की उम्र की है। यानी जो हमारा क्लाइंट बेस है, ना चाहते हुए भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जो यंग बच्चे आज से 15-20 साल पहले पैदा हुए वो आज बड़े हो गए हैं एंड ये होनहार हो गए हैं, यानी कि हमारा क्लाइंटेल चेंज हो गया। यानी एक तो जो हमारे क्लाइंट्स थे उनकी भी नेक्स्ट जनरेशन आ गई और साथ में जो हमारे फ्रेश क्लाइंट्स हैं वो भी नए बच्चे, नई जनरेशन आ गई। एंड ऐसे में ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेने के बाद नॉर्मली अपने बिजनेस में बैठते हैं या अपने व्यवसाय में मूव करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट होती है इनकी। साथ में एजुकेशन के अलावा ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए हमने देखा है फटाफट एकदम से गूगल कर लेते हैं, फटाफट ऑनलाइन चेक कर लेते हैं सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। एंड तीसरा पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, क्योंकि इनका फ्रेंड सर्कल बहुत एक्टिव है, इनकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो इनको पता लगता रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। चौथा पॉइंट यह है कि इन्हीं के कुछ दोस्त यार नॉर्मली फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, तो वहां से भी इनकी अवेयरनेस और वहां से भी इनका झुकाव झुका होता है। और साथ में ये जो लोग हैं, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये ज्यादा रिलेशनशिप में विश्वास नहीं करती, ये नॉर्मली नॉलेज पे और रिटर्न की बातें करती है। यानी कि ये सारी चेंजेस के कारण पहला चेंज क्या हुआ कि हमारा जो नेचर ऑफ क्लाइंट है वो चेंज हो रहा है। और दूसरा जो वैलिड पॉइंट है वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री भी चेंज हो रही है। हम एक्चुअली अपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कनेक्ट करते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री का एक छोटा हिस्सा। सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमारा रेगुलेटर है IRDAI और बाकी जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में उस वहां पे दो रेगुलेटर हैं, फॉरेन एक्सचेंज साइड पे या इंटरेस्ट रेट साइड पे नॉर्मली RBI और जो बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट साइड पे वहां पे आता है SEBI। अब जो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस कंपीट करता है कई तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, यानी कि म्यूचुअल फंड के साथ, इक्विटी के साथ। अब रियल एस्टेट भी ऑनलाइन जा रहा है, तो यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो ऑनलाइन जा रही है उसके साथ भी कंपीट करेगा। ऐसी इंडिया की अपनी लक्ष्मी यानी कि क्रिप्टो करेंसी आने वाली है, यानी कि उसके साथ भी कंपीट करेगा। इसका मतलब अभी जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि सॉवरन बॉन्ड ले आएंगे, तो यानी कि उसके साथ भी कंपीट करेगा, यानी डायरेक्टली क्लाइंट बॉन्ड मार्केट में लगा सकते हैं। इसका मतलब यह कि हमारा प्रोडक्ट ये बाकी प्रोडक्ट्स का कंपीट करता है, मगर जो हमारा प्रोडक्ट का जो रेगुलेटर है वो IRDAI, मगर जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे कंपिटेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उसका रेगुलेटर SEBI है। अब इसको समझते हैं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि IRDAI और SEBI कहीं ऐसा तो नहीं IRDAI वही चीज फॉलो कर रहा है जो SEBI ने उसको ऑलरेडी अचीव कर चुका है। जैसे कि समझते हैं, जब मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पेनिट्रेट करना था 2004-05 के समय में, तो मार्केट में किसी भी पर्सन को ब्रोकर बनाया गया, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं देखी गई और यह देखा गया कि कोई भी आदमी एक एग्जाम दे, MP का लाइसेंस ले और शुरू हो जाए। करते करते SEBI ने कोई ज्यादा शिकंजा नहीं कसा, कोई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी मिस सेलिंग करो, मगर करते करते मार्केट में 2008 का जमाना आया और वो पीक से एकदम से बॉटम आ गई मार्केट। जैसी पीक से बॉटम आ गई मार्केट, तो तब SEBI को होश आया। एंड SEBI को जैसी होश आया तो उसने उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस
प्रकट करने की कोशिश कर दी। फिर उसने कहा कि इसमें रिस्क सर्कुलर होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में जो रिस्कीनेस है वो बताना चाहिए, इसमें कितना रिटर्न का एवरेज रिटर्न आता है वो बताना चाहिए, कितना रिस्क पे कितना रिटर्न आता है वो बताना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर काफी चर्चा सेबी ने करी। फिर सेबी ने म्यूचुअल फंड की कंपनीज को बोला कि आप धीरे धीरे करके ऐसा करो, ब्रोकर ड्रिवन मार्केट को थोड़ा कम कर दो, यानी कि ब्रोकर ड्रिवन मार्केट में जो क्लाइंट्स हैं उन क्लाइंट्स को तुम डायरेक्ट ले लो। यानी कि इसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज ने डायरेक्ट फंड्स लॉन्च कर दिए और साथ में जो म्यूचुअल फंड के जो सब ब्रोकर्स थे या जिन्होंने फ्रेंचाइजीज ले रखी थी उनके क्लाइंट्स आधार कार्ड लिंक वगैरह सब हो गए और वो सारा डाटा म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनीज को बोला कि अब आप ये सारे बड़े बड़े क्लाइंटों को ईमेल डालना शुरू कर दो कि आप ये प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट हमसे लीजिए, क्योंकि अगर आप ब्रोकर के थ्रू लेते हैं तो आपको इतनी कमीशन देनी पड़ती है उस ब्रोकर को या सब ब्रोकर को, यानी कि ये भी एक स्टेप आया। फिर चौथा स्टेप यह आया जब यूरोपियन क्राइसिस वगैरह ये सब हो गया 2014-13-14 के बाद, तो फिर सेबी ने बोला कि अब आपको फैक्ट शीट बनानी चाहिए और उसमें लिखना चाहिए कि यानी कि कितना शार्प रेशियो है, कितना अल्फा है, कितना बीटा, यानी कि टेक्निकल चीजें और ले आया। फिर धीरे धीरे करके सेबी ने और एक प्रहार मारा जिसमें सेबी ने बोला कि आने वाले समय में ब्रोकर्स का बिजनेस नहीं रहना चाहिए, जिसके लिए अपफ्रंट कमीशनें बंद कर दी। एंड अभी उम्मीद ऐसी भी चल रही है कि ट्रेल कमीशन के ऊपर भी सेबी रिएक्ट करेगा और ट्रेल कमीशन को भी कहीं ना कहीं बंद करने की कोशिश। आप देख सकते हैं अपफ्रंट कमीशनें पहले कितनी होती थी और एकदम से जीरो आ गई, ट्रेल कमीशन कितनी ज्यादा होती थी अब ऑलमोस्ट 0.5, 0.7 या 0.1 या 1% के आसपास रह गई है। एंड ऐसे में अब सेबी लेटेस्ट क्या बोल रहा है कि आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहिए ना कि म्यूचुअल फंड का ब्रोकर, जिसके लिए एडवाइजर बनने के लिए आपको रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइसेंस लेना चाहिए और साथ में कहता है कि ये लाइसेंस लेने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन लेनी चाहिए, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन लिखी हुई उसने। और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन में साथ में वो ये भी कहता है कि पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ये नहीं कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन किस फील्ड में, वहां पे लिखा है फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल मार्केट्स में वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें जिक्र है। या वो कहता है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी के साथ, यानी कि ये नहीं कि 5 साल का एक्सपीरियंस घर बैठे हुए है या किसी भी कंपनी के साथ मैं 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, नहीं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी के साथ पोर्टफोलियो मैनेज करते हुए एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है एंड उसके बाद कहा गया है कि अगर आपकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एग्जाम है एंड उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। अब इसी डायरेक्शन को IRDAI के साथ लिंक कीजिए। IRDAI ने भी पेनिट्रेट करने के लिए किसी भी पर्सन को बोला इंश्योरेंस एजेंट बन सकता है। धीरे धीरे करके वो सारे इंश्योरेंस एजेंट जितने भी क्लाइंट्स बनाए उनको अब वो सारे क्लाइंट्स का डाटा है वो डायरेक्ट कंपनीज के पास पहुंच रहा है। अब धीरे धीरे करके आपने देख लिया कि अब IRDAI ने ये भी जिक्र कर दिया है कि आपको प्रोडक्ट में जिक्र करना है कि कितनी कमीशन मैं आपसे ले रहा हूं, यानी कि वो कमीशन का भी हमें बताना जरूरी हो गया है कि यूलिप जैसे प्रोडक्ट में कि कितना आपका प्रीमियम है और उस प्रीमियम में कितना मोर्टेलिटी है, कितना मार्केट लिंक है और कितना हम आपसे कमीशन के तौर पर ले रहे हैं, यानी कि ये सब अब चेंजेस आ गए हैं। एंड साथ में आपने देखा होगा नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं, साथ में 300 नंबर फॉर्म आ गया, यानी कि 300 नंबर फॉर्म वही, यानी कि जो पहले जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन जो हम सेबी ने बोला था वही IRDAI ने बोला, फिर सेबी ने बोला कि आपको सर्कुलर में या जो रिस्क सर्कुलर के तहत पूरा फॉर्म भरना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मिस सेलिंग नहीं होना चाहिए, वही सारी चीजें अब IRDAI बोल रहा है। साथ में जो सेबी ने बोला कि सबको ऑनलाइन कर दो, अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके सारे प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन आ रहे हैं। एंड साथ में यहां पे 100% FDI इंश्योरेंस इंटरमीडियरी में आ गई है और जैसे ही 100% FDI इंश्योरेंस में आएगी तो ये पूरी इंडस्ट्री एकदम से सी चेंज हो जाएगा। एंड ऐसे में जिसमें छोटी छोटी चीजें आपको दिख नहीं रही है मगर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे LIC का IPO का अनाउंसमेंट जिसके बारे में मैंने जिक्र बहुत साल पहले कर दिया था, फिर साथ में मैंने ये भी जिक्र किया था कि आपको आने वाले समय में यूलिप्स के ऊपर बेचना पड़ेगा, साथ में मैंने ये भी कहा था कि आपको सिस्टमैटिक इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नाम का या निवेश प्लस नाम के प्रोडक्ट्स आएंगे एंड आप देख लो वही नाम के प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं एंड आपको यूलिप्स बेचना पड़ेगा या आपको 2-3 साल से बोल रहे हैं, आप देख लीजिए आज आप खुद ही यूलिप को पिच कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये वो सारी चीजें जो मैं कोशिश करके आपको बताने की कोशिश करता रहा वो अब आपको दिख रहा होगा कि वो धीरे धीरे करके सच हो रही है, यानी कि हमारी IRDAI की जो इंडस्ट्री है इंश्योरेंस इंडस्ट्री वो भी उसी लाइन पे चल रही है जो सेबी ने बाकी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में चेंज लाया। अब इसी के कारण ये जो दो बड़ी बड़ी चेंजेस हुई हैं जो या जो हो भी रही हैं, इसी को आप इनडायरेक्ट वे में समझने की कोशिश करो कि आपके क्लाइंट के सवाल भी चेंज हो रहे हैं। आप देखो पिछले 4-5 साल से यानी 2014-2015 के बाद से
क्लाइंट के सवाल नॉर्मली कैसे हो गए, पहला सवाल हो गया है कि ये डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ, उस जमाने में ये सवाल था, फिर था जीएसटी आ रहा है, अब वो बोलता है जीएसटी के कारण बहुत पंगा पड़ गया है, अब वो कहता है कि रियल एस्टेट में पता नहीं क्या होगा, या वो आपसे सवाल पूछता है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का क्या होएगा, या वो आपसे सवाल पूछता है कि मैं बिजनेस में क्या करूं, बिजनेस में काफी डाउनफॉल दिख रहा है, या वो आपको पूछता है कि मैं अपने बच्चे को कौन सा बिजनेस सेटअप करके दूं, या वो पूछता है कि मार्केट में इतनी उथल पुथल क्यों चल रही है, यानी कि उसके सवाल चेंज हो गए हैं। वो जो सवाल चेंज हो रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री चेंज हो रही है, हमारा क्लाइंट चेंज हो रहा है, एंड ऐसे में ये जो चेंजेस के कारण जो क्लाइंट के सवाल चेंज हो रहे हैं, हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अपने आप को इंश्योरेंस एजेंट ना बोलूं, कहलाऊं मैं अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर, बेचू इंश्योरेंस। मैं भी यही कहता हूं, बेचो आप इंश्योरेंस मगर कहलाओ क्यों, वाकई में क्यों नहीं फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हम, यानी कि आपको भी पता है कि आप चाहते हैं कि क्लाइंट आपको फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर करके संबोधित करे, मगर पता है आपको कि आपको इंश्योरेंस बेचना है। मैं भी ये कह रहा हूं, बेचना हमें इंश्योरेंस है, हमें वो बेचना आता है, और मैं उसमें कहीं मना नहीं कर रहा, जब तक आराम से ये सिस्टम और बिजनेस चल रहा है इंश्योरेंस मस्त बेचिए, इनफैक्ट बहुत पेनिट्रेशन होगी इसमें, बहुत अच्छा बिजनेस एक्सपेंड करेगा, यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफी एक्सपेंशन होगा, मगर काफी चेंजेस के साथ, यानी कि उन चेंजेस के साथ जो आप इंश्योरेंस बेचेंगे, इंश्योरेंस क्लाइंट डायरेक्ट नहीं लेगा, उसको इन सवालों के जवाब चाहिए, उसको एक एजुकेटेड आदमी चाहिए जो वाकई में फाइनेंशियल एडवाइजर हो, जो टाइम पास वाला फाइनेंशियल एडवाइजर विजिटिंग कार्ड में लिख के ना लाया है, जिसके लिए मैं चाहता हूं या जो मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल एडवाइजर जेन्युइन बनने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में इस टाइम पे जेन्युइन फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत कम है, और बहुत कम का मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए, बेचो आप इंश्योरेंस मगर फाइनेंशियल एडवाइजर बन के बेचेंगे, बहुत ज्यादा बिजनेस है, एंड उसी के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन रेलेवेंट और साथ में उस क्वालिफिकेशन में रेलेवेंट टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। एंड यहां पे मैं वही जिक्र अब करने लगा हूं कि कौन सी क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं एंड उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप रेलेवेंट समझ सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले समझते हैं कि क्वालिफिकेशन का नाम क्या है। पहला क्वालिफिकेशन, जिन लोगों का भी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास है वो करेंगे MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, और जिनका भी 12th पास है यानी कि ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, चाहे थर्ड ईयर नहीं कर पाए, चाहे सेकंड ईयर नहीं कर पाए, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए, 12th पास है वो करेंगे BBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड उसके बाद वो करेंगे MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। दूसरा पॉइंट ये है इसकी मान्यता, यानी कि इसकी रिकॉग्निशन क्या है। वेल, ये MBA या BBA MBA जो है ये UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा, यानी कि जो वन ऑफ द टॉप 30 रैंक यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा अवार्डेड डिग्री, और ये डिग्री रेगुलर डिग्री है, यानी कि हम कहीं पे भी कोई भी जगह से जब अच्छी डिग्री करते हैं तो उसी के बराबर की ये डिग्री है, यानी कि डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड, रेगुलर डिग्री है। तीसरा पॉइंट यह आता है कि जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्टैंडिंग क्या है। वेल, सबसे पहला पॉइंट यह है कि यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप 30 रैंक यूनिवर्सिटी है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि ये कोई नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एनेक्टेड हुई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यानी कि सबसे टॉप पे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसका एक्ट बना हुआ है, यानी कि चितकारा यूनिवर्सिटी एक्ट, और इनकी दो यूनिवर्सिटीज हैं, एक पंजाब में और एक हिमाचल में, यानी कि दो सेपरेट एनेक्टमेंट हुई है, दो सेपरेट बिल पास हुए हैं, एक पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में और एक हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि रिकॉग्निशन पूरी है। और साथ में ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके ओवर 100 इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, और इसी में इनका कोलैबोरेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी है, और आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, यानी कि यूनिवर्सिटी भी रिकॉग्नाइज्ड है। चौथा पॉइंट ये आता है कि इसको इनॉग्रेट किसने किया, इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। वेल, इसको IRDAI के श्री नीलेश साते साहब ने इनॉग्रेट किया था, एंड इसके एडवाइजरी बोर्ड पे आप ही के इंश्योरेंस इंडस्ट्री के और RBI के काफी सीनियर लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि आप सारी डिटेल्स कौन कौन एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स हैं वो आप bfsi.chitkara.edu.in पे जाके देख सकते हैं। और ये सारे जो सब्जेक्ट्स बनाए हैं इन सारों ने मिलके सोचा, साथ में मैं भी एडवाइजर हूं तो मैंने भी उसमें सोचा। तो यानी कि आपको गलत फहमी है जब कई लोग कहते हैं कि ये अमन की MBA और अमन बेच रहा है। नहीं,
हाँ अमन एक फेस बन चुका है, मगर अमन तो इस यूनिवर्सिटी का एडवाइजर है, ये इनॉग्रेट आईआरडीआई ने करी और मैं भी एक एडवाइजर हूं, जैसे ये सारे लोग हैं जिनका हम नाम पढ़ेंगे, सारे लोग एडवाइजर्स हैं, यानी कि हम सारे एक तरह से एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स हैं, यानी कि बेनिफिट फॉर द इंडस्ट्री के लिए हम सब इकट्ठे आए और इसको इनॉग्रेट किया। अब साथ में आता है फीस कितनी है। वेल एमबीए करने के लिए 2 साल की एमबीए है, रेगुलर डिग्री है, टोटल फीस है 2.25 लाख रुपए, कट्ठी नहीं देनी, हर 6 महीने बाद आपको 55,000 55,000 55,000 और फिर 60,000 देनी है, यानी कि आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे है। एंड अगर आप बीबीए एमबीए कर रहे हैं, सिर्फ बीबीए करेंगे तो उसकी फीस है 3,30,000 3 साल की, जिसका आप देख सकते हैं कि 55,000 55,000 करके आपको 6 बार देना है। मगर अगर आप बीबीए और एमबीए दोनों करते हैं, आपको डिग्री दोनों अलग अलग मिलेगी, मगर अगर आप इकट्ठे करते हैं, आप कहते हैं मैं बीबीए भी करूंगा और एमबीए भी करूंगा, तो आपकी फीस 3,30,000 नहीं है, 4.5 लाख है, जिसमें आपकी एमबीए भी होती है। यानी अगर आप सिर्फ बीबीए करते तो 3,30,000 होती, फिर बाद में कभी एमबीए करेंगे तो 2.25 लाख होगी, यानी जिसकी फीस ज्यादा हो गई। यानी कि हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर आप बीबीए के बाद इमीडिएटली एमबीए भी करते हैं इसी यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप पहले आपको 3,30,000 फिर बाद में 2,25,000 नहीं देने, आपको टोटल 4.5 लाख देने हैं और वो भी इंस्टॉलमेंट में देने हैं। इंस्टॉलमेंट की फिगर्स कुछ 40,000 है हर 6 महीने बाद, फिर बाद में 45,000 है हर 6 महीने बाद, यानी ऐसे ऐसे करते करते टोटल 4.5 लाख आपको देना है 5 साल में। और साथ में इसमें अब आपका सवाल होएगा, इसमें फीस में क्या क्या इंक्लूड है, सब कुछ, यानी कि आपका रहना खाना, आपका लॉजिंग फूडिंग किताबें सब कुछ, यानी कि आपको सिर्फ अपने शहर से टिकट्स बुक करानी है और चंडीगढ़ लैंड करना है या ट्रेन से पहुंचना है, जैसे मर्जी, आपको बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से पिकअप करके यूनिवर्सिटी लेके भी जाया जाएगा इसी कॉस्ट में, वहां पे रखा भी जाएगा, खाना रहना वगैरह सब इंक्लूड है, और साथ में आपको वहां तक ड्रॉप भी किया जाएगा ताकि आप वापसी की फ्लाइट या वापसी की ट्रेन या वापसी की बस पकड़ सकते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, बेस्ट पार्ट ये हम समझते हैं कि आप ज्यादा देर तक नहीं आ सकते क्योंकि आप अपने अपने व्यवसाय में ऑलरेडी बिजी हैं, तो इसमें बेस्ट पार्ट यह है कि आपको हर 6 महीने बाद आपको 6 दिन के लिए आना है। और साथ में अब आप सोच रहे हैं कि 6 दिन के लिए आना है, ऐसा क्या कर लेंगे हम, 6 दिन जो आप करेंगे वो है क्लासरूम की ट्रेनिंग, यानी क्लासरूम में आप लाइव मार्केट में समझेंगे, मगर क्लासरूम के बाद आपका आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो प्रैक्टिकल होएगा, एंड उसी में मजा है क्योंकि वही प्रोजेक्ट आप अपने जब घर जाएंगे, यानी कि जो 6 महीने बाद आएंगे वही प्रोजेक्ट्स आप प्रैक्टिकली करेंगे, एंड इसलिए यहां पे हम इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड डिग्री है, यानी आना सिर्फ हर 6 महीने बाद 6 दिन है और सारा प्रोजेक्ट आपको जो मिलेगा उसमें पूरा जिंदगी का मजा है क्योंकि अल्टीमेटली आप उसमें प्रैक्टिकल लर्निंग अपने क्लाइंट के ऊपर इंप्लीमेंट करके सीख सकते। अब आपके मन में सवाल आता होगा एग्जाम, एग्जाम टफ नहीं है क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन जो है वो ये है कि आप प्रैक्टिकली सीखें, तो एग्जामिनेशन बेस्ड जो सिस्टम होता है ना उसमें क्या होता है ना, हम नॉर्मली थ्योरी रगड़ रहे होते हैं, नहीं, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेजरली एग्जाम्स हैं, बहुत आसान स्टैंडर्ड है ताकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम्स इजीली हमारे क्लियर हो जाए, मगर प्रोजेक्ट में लर्निंग जो है उसी से आपका अपग्रेडेशन होगा। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि डिलीवरी किस लैंग्वेज में होगी, क्योंकि कई लोग आप में से कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, डिलीवरी पूरी इसी भाषा में जिस भाषा में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, यानी कि हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग, यानी कि अलग अलग सेपरेटली आपको पढ़ाया जाता है। एंड अब आपके दिमाग में आता होगा कि कब एनरोलमेंट कर सकते हैं, वेल नाइन्थ बैच 12th April 2020 को आना है एंड आपकी क्लासेस 13, 14, 15, 16, 17, 18 April को रहेंगी, एंड 18th April 2020 को 2 बजे के बाद आप अपनी टिकटें वापसी की बुक करा सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट यह है कि अभी तक ऑलरेडी 8 batches हो चुके हैं, अब ये 9th batch लॉन्च हो रहा है, एंड इस 9th batch में 25 seats हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, यानी कि आप जैसे जैसे एनरोल करेंगे, जिसकी पहले एनरोलमेंट होगी, जिसकी पहले फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आ गई उसकी कंफर्म यानी कि सीट है। अब आते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या है, वेल सब्जेक्ट्स क्या क्या और रेलेवेंस क्या क्या है, वैसे तो सारी वेबसाइट पे सब्जेक्ट्स हैं, bfsi.chitkara.edu.in पे सारे सब्जेक्ट्स हैं, फीस कितनी कितनी देनी है वो सब वहां पे जिक्र है, एंड वहीं पे अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन वगैरह सब वहां पे जिक्र है। अब आते हैं सब्जेक्ट्स को मैं थोड़ा ओरली समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं कि अकाउंट्स। अब अकाउंट्स हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हम क्लाइंट से मिलने जाते हैं और जब हमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की मैन वगैरह ये सब जब करना होता है तो हमें उसके प्रॉफिटेबिलिटी पता होनी चाहिए, हमें उसकी टर्नओवर, हमें उसका इबिट्टा मार्जिन, पैट मार्जिन, बैलेंस शीट का साइज, एसेट साइज, उसकी इंडस्ट्री क्या चल रही है। अगर हमें ये सब चीजें नहीं पता होंगी तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली उसके फाइनेंशियल्स पकड़ते हैं,
कोरियर बॉय की तरह वो फाइनेंशियल ले जाके अपने ऑफिस में देते हैं, बिल्कुल फाइनेंशियल चेक नहीं करते हैं, एंड इसीलिए हमारी रिस्पेक्ट नहीं होती। अगर हम फाइनेंशियल देखेंगे, समझेंगे, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, उसको मजा आएगा। इनफैक्ट उसने खुद भी कई बार अपने फाइनेंशियल नहीं देखे होते, क्योंकि सीए नॉर्मली उसके बना के फाइनेंशियल उसको देता है, मगर वो कभी देखता नहीं। जब उसे समझेंगे, बातचीत करेंगे, कहेगा अच्छा मेरे को पता नहीं था, यानी वो आपसे इज्जत करेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपकी नॉलेज की दाद देगा। साथ में इसी में हम सिखाते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या चल रहा है, जिसके प्रभाव के कारण पूरा हिंदुस्तान चेंज होता है। साथ में आपको एक्सेल सिखाते हैं ताकि आप थोड़े टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएं। डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को, जरूरी नहीं है कि यहीं से आपको कनाडा की फ्लाइट पकड़नी है, यहीं से आप कनाडा को कैसे टारगेट कर सकते हैं, दुबई को कैसे टारगेट कर सकते हैं। जैसे ये इंटरनेशनल मार्केट ओपन हो रही है, ग्लोबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, हिंदुस्तान के सॉवरन बॉन्ड फॉरेन करेंसी में जा रहे हैं, तो इसके कारण आप घर बैठे हुए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अल्टीमेटली प्रमोशन कर सकते हैं। एंड फिर आता है कि आपको सेकंड सेमेस्टर में रेलेवेंट सब्जेक्ट्स क्या हैं। सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर में और भी हैं, मगर मैं उसमें रेलेवेंट जो मेजरली एकदम से जो वीडियो में मैं बता पा रहा हूं, मैं वो इमीडिएटली बताने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड सेमेस्टर में आपको डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी, रेरा, रीट, यानी कि इक्विटी बॉन्ड्स, ये सब सिखाया जाता है। म्यूचुअल फंड का पूरा एनालिसिस करना सिखाया जाता है, अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो, यानी कि वो सारी चीजें जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें समझाने के लिए जरूरी है कि हमें समझ आए। फिर साथ में हम ये भी सीखते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की मैन इंश्योरेंस, जो कि सब्जेक्ट का नाम है कंटेम्प्रेरी इश्यूज चैलेंजेस वगैरह करके। एंड साथ में हम इसमें एडवांस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सीखते हैं, यानी कि अकाउंट्स को हम कैसे एनालाइज करें, P&L बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करें, यानी कि उसका भी काफी फायदा रेलेवेंस रहता है। एंड प्लस डिजिटल मार्केटिंग को एडवांस में सीखते हैं, एक्सेल को एडवांस में सीखते हैं, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट का IRR या ईल्ड वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि पता नहीं IRR आपको अपने प्रोडक्ट के लिए नहीं निकालना चाहिए, मगर इसका जिक्र मैं यहां पे इस वीडियो में नहीं कर रहा। थर्ड सेमेस्टर में हम और एलिवेशन में जाते हैं, जहां पे हम बेसिकली डेरिवेटिव सीखने की कोशिश करते हैं फ्यूचर्स के बारे में। एंड साथ में थोड़ा बहुत हम सीखते हैं टैक्सेशन के बारे में, GST के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, और साथ में मेन मुद्दा है पोर्टफोलियो के बारे में बेसिक फाउंडेशन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि उसको पढ़ाने के लिए हमें थर्ड सेमेस्टर में हम शुरू होते हैं और फोर्थ सेमेस्टर तक चलता है। और इसमें जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो आप करते हैं वो है सिंपल गोल सेटिंग, और गोल सेटिंग के नाम पे हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, मगर गोल सेटिंग वो जो हम पिरामिड बना के सीखते हैं वो गलत है। यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरह से पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा है, एंड हिंदुस्तान में ज्यादा लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिकली नहीं आती है। एंड हम कोशिश करते हैं कि यहां पे आप थोड़ा सा भी सीख लेंगे, आपको बाकियों से बहुत ज्यादा आएगा। एंड ऐसे ही हम जब फोर्थ सेमेस्टर में जाते हैं, वहां पे फाउंडेशन से हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं पोर्टफोलियो में, और वहां पे हम ये सीखते हैं कि इंश्योरेंस को पोर्टफोलियो में कैसे फिट किया जाए, यानी कि रिस्क भी उसका कम हो जाए और रिटर्न में ज्यादा फर्क ना आए, ये हम सीखने की कोशिश करते हैं, और यही जर्नी असली। एंड साथ में हम इसमें वेल्थ मैनेजमेंट सीखते हैं, और साथ में वेल्थ मैनेजमेंट के साथ साथ हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में टेक्निकली नॉलेज लेते हैं, यानी कि जिसका नाम है नो योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, या जहां पे हम इंश्योरेंस LIC की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल उसके बारे में जिक्र करते हैं, ताकि हमें पता तो कि फाइनेंशियल देखें कैसे, LIC ने कहां का इन्वेस्टमेंट करी वो समझें कैसे, उसके बारे में पूरा जिक्र होता है। जो लोग नॉर्मली MBA कर लेते हैं उसके बाद भी वो आते हैं, यानी कि फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर लगाने इसलिए आते हैं, क्योंकि जो BBA MBA में फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का अपना ही एक अलग चार्म है, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में हम वो चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं जिससे आप बिजनेस एडवाइजर बन सकते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4 सेमेस्टर में आप सीखते हैं कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे बने, पोर्टफोलियो मैनेजर कैसे बने, मगर फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में हमारी कंसंट्रेशन रहती है कि आप उसके बिजनेस के एडवाइजर कैसे बने, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि आपको वो चीजें सिखाएं जो उसका CA उससे जिक्र करता है, जैसे कि कैपिटल बजटिंग सिखाते हैं, यानी कि अगर उसने बिजनेस लगाना है या बिजनेस लगाया हुआ है तो उसकी कैपिटल की बजटिंग कैसे होती है, या हम सिखाते हैं कि अगर उसको अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना है, यानी आजकल हर कंपनी छोटी छोटी MSMEs क्या चाहती है कि मेरी लिस्टिंग हो जाए, जिसको हम IPO बोलते हैं, उसके बारे में पूरा प्रैक्टिकली सिखाते हैं। साथ में हम ये सिखाते हैं कि इसके अलावा रियल एस्टेट की फंडिंग कैसे हो जाए, यानी रियल एस्टेट फाइनेंसिंग के बारे में सिखाते हैं। फिर हम सिखाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि एक और एक एलीट सब्जेक्ट होता है जो नॉर्मली CA करवाता है। फिर हम करवाते हैं कि MSME को फंडिंग कहां से मिले, क्योंकि नॉर्मली आपके जो बिजनेस जितने से आप मिलते हैं उनका हमेशा ही क्वेरी होती है कि कहीं से फंड्स दिलवा दो, तो फंड्स कहां से दिलवा दो, कौन से रूप का दिलवा दो, यानी CC दिलवा दें, टर्म लोन दिलवा दें, ECB दिलवा दें, EPC दिलवा दें, PCFC दिलवा दें, ये सारी बातें होती हैं। इसका मतलब ये कि ये सारे सब्जेक्ट्स इतने रेलेवेंट हैं कि आपका ऑरा भी बढ़ता है, आपकी टेक्निकल नॉलेज भी बढ़ती है, एंड आपके हाथ में एक जेन्युइन रेगुलर डिग्री आती है।
एंड मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप क्यों, आपके बच्चे भी इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ये सारी चीजें प्रैक्टिकली सीख के आपके साथ अपने बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एनरोल करें। एनरोल करने के लिए bfsi.chitkara.edu.in में आप सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, फीस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके बाद की आपकी जर्नी शुरू होगी। अदरवाइज आप बातचीत भी कर सकते हैं, कोई भी और क्वेरी है, मेरे को लगता है मैंने सारी क्वेरी रिजोल्व कर दी होंगी, मगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप 8264097714 पे बात कर सकते हैं। एंड मैं चाहता हूं कि हम मिलें एंड इस जर्नी को आगे बढ़ाएं ताकि हम सब बढ़े और हमारा हिंदुस्तान बढ़े। जय हिंद।